प्रिय मित्रों, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुख और समृद्धियों से भरा हुआ हो, शांत हो, यही हमारी कामना है। आज हम इस बात पे विचार करेंगे कि हम सभी लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं और समृद्धि चाहते हैं, और ये सारी चीजें हमें एक साथ नहीं मिलती। भौतिक रूप से हम संपन्न हो जाते हैं लेकिन मानसिक रूप से शांत नहीं। कभी कभी भौतिक परिस्थितियां हमको मानसिक रूप से शांत नहीं रहने देती, हमारे अभाव हमको अशांत करते रहते। मुझे ये लगता है कि सारा दोष हमारे चिंतन में है। चिंतन ही हमें सुखी या दुखी बनाता है। यदि हमारा चिंतन सकारात्मक हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो निश्चित रूप से हमें दुख की अनुभूति कम होगी। पॉजिटिव थिंकिंग, वी शुड हैव पॉजिटिव थिंकिंग फॉर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। और पॉजिटिव थिंकिंग तभी हो सकती है जब हम यथार्थ पर आधारित चिंतन करें, हमारा चिंतन सत्य पर आधारित हो। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं बहुत दुखी हूं, क्या ये सत्य है? ये सत्य तो तब होगा जब संसार में उससे दुखी कोई व्यक्ति हो ही ना। और कोई व्यक्ति इस बात का अभिमान करे कि हम बहुत सुखी हैं, हमारे पास बहुत से साधन हैं, क्या ये शत प्रतिशत सत्य है? नहीं जी, ये भी सत्य नहीं है। ना तो हम संसार में सभी व्यक्तियों से सबसे अधिक सुखी हो सकते हैं, न ही संसार में सबसे अधिक दुखी हो सकते हैं। हाँ, ये सत्य अवश्य है कि कुछ व्यक्तियों की तुलना में हम सुखी हैं और कुछ व्यक्तियों की तुलना में दुखी। जब हम अपने से अधिक दुखी व्यक्तियों के बारे में विचार करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है, और जब अपने से ज्यादा सुखी व्यक्तियों के विचार करते हैं तो हमको दुख की अनुभूति होती है।